कहाँ छोड़ के आ गए थे नाना जी? नहीं अभी और झूल गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आज का दिन कुछ ऐसा है कि 10 बज रहे हैं सुबह के एंड हम जो है अभी तक नहा धो के रेडी नहीं हुए हैं। ऑब्वियसली बात है कि इन लॉज के घर में रहो तो थोड़ा बहुत जल्दी जल्दी नहा लेते हैं एंड अपने मायके में रहो तो थोड़ा लेट ही काम होता है सारा। तो कुछ ऐसे है कि अभी लेटे हुए हैं, पसरे हुए हैं अच्छे से और अनु भी यहीं पर ही है, तो वो अभी देखते हैं। अभी ऐसा कुछ नहीं करा, बस ये है कि सुबह सुबह उठ के कुछ एसेंशियल ग्रॉसरीज वगैरह थी जो कि ऑर्डर की है ब्लिंकिट से, जो कि आ भी गई है। कुछ ज़रूरी चीज़ें थी घर की जो मुझे अपने वहाँ के लिए भी लेनी थी, तो मम्मी और को भी लेनी थी, तो मैंने सोचा कि इकट्ठे ही ऑर्डर कर देती हूँ सारा का सारा। तो आ चुका है सारा सामान, आ गया सुबह सुबह। वैसे भी ब्लिंकिट की जो डिलीवरी का टाइमिंग वगैरह सब कुछ है और मतलब जिस हिसाब से ये अपनी सर्विस देते हैं बहुत अच्छी लगती है मुझे, क्योंकि 7-10 मिनट्स के अंदर इनकी जो है चीज़ें आ जाती है जो भी आप ऑर्डर करते हैं। सो आई थिंक इट्स अ बेटर ऑप्शन बजाय उसके कि आप मार्केट में जा रहे हैं और सामान ले रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे भी आप सर्च करोगे सारी चीज़ें तो ये सारी चीज़ें आपको करी कराई घर पे बैठे मिल जाती है, वो भी डिस्काउंटेड प्राइस में किसी किसी चीज़ों में। तो इट इज़ अ बेटर ऑप्शन, बहुत अच्छा ऑप्शन लगता है मेरे को कि यू आर गोइंग टू द मार्केट एंड पिक वन ऑफ द थिंग्स फ्रॉम द शॉप कि मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। तो अभी मंगवा लिया है और सामान आ गया है घर पे, और फिलहाल तो अभी हमारी नहाने की तैयारी हो रही है एंड मेरी थ्रेडिंग भी बहुत ज़्यादा आ चुकी है, तो मैं सोच रही हूँ कि आज थ्रेडिंग भी बनवाने चले जाऊँ पार्लर में। तो अभी जो है पार्लर में जाऊंगी और थ्रेडिंग बनवा के लाऊंगी, क्योंकि मैं जब भी इधर आती हूँ मम्मी के घर में तो हमेशा यहीं से ही बनवाती हूँ। वो होता है ना कि आपका हाथ सेट हो जाता है, किसी किसी से पेन नहीं होता है करवाने में और जल्दी जल्दी हो जाती है तो इतना पता नहीं चलता, तो मेरा भी एक जगह से हाथ सेट हो रखा है तो फिर मैं यहीं आके ही हमेशा थ्रेडिंग करवाती हूँ। तो फिलहाल अभी हम जा रहे हैं नहाने के लिए, ब्रेकफास्ट हमारा हो चुका है, नहाने के लिए जा रहे हैं और उसके बाद जाती हूँ, फिर उसके बाद थोड़ा सा इनको ठीक करा के लाती हूँ, फिर देखते हैं क्योंकि शाम तक विशाल आ ही जाएंगे तो तब तक अपने काम रेडी रखें हम तो ज़्यादा बेटर है, वरना वो बोलते हैं जब मैं आता हूँ तो उसी टाइम तुम्हारे सारे काम होते हैं, उससे पहले रेडी करके कुछ नहीं रखते हो। फिर पीछे नहीं देखना, उधर देखो पहले। सो गाइस देखो ये क्या क्या बनवाता रहता है मुझसे। व्हाट इज दिस? ग्रीन मॉन्स्टर। व्हाट इज दिस? जोकर मॉन्स्टर। व्हाट इज दिस? वैम्पायर। वैसे तो मैंने ढंग से नहीं बनाया है पर इसने भी पूरा क्या कर दिया, व्हाइट बोर्ड में क्रेयॉन से कर दिया, इसमें मार्कर से करना था तो इस लड़के ने क्रेयॉन से सब कुछ बना दिया। क्यों भाई? मम्मी ये क्या बना दिया? मम्मा क्या बना दिया उन्होंने?
क्या बना दिया अनु ने क्रेयॉन से? कलरफुल। कलरफुल नहीं होता, कलरफुल होता है। कलरफुल बना दिया अनु ने। क्या कलरफुल? मॉन्स्टर्स। जब देखो भूत प्रेती बनाता रहेगा, और कुछ काम नहीं है। ये मम्मा ने इसको नानी के हैंड में बैंडी लगा दिया। बैंडी लगा दिया। मेहंदी। मेहंदी बोल। मेहंदी। बैंडी। मेहंदी। 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 पीछे करो, पीछे करो। बैंडी। बैंडी मम्मा। नानी के हाथ में क्या लगा दी मम्मा ने? बैंडी। तो गाइस ये नानी है मम्मा को बैंडी लगा दिया। क्या लगा दिया नु? नानी को मम्मा को ये नानी नानी को है ने बैंडी लगा रहा है। लगा रहा है। देखो नानी की मेहंदी लग गई। पीछे करो नानी। पीछे नानी। पीछे हाथ उल्टा। इसके ऊपर भी यहाँ पर भी लगाना था। अब उसमें इतनी मेहंदी बची ही नहीं है। और ये आलू के डैडू आ गए हैं हमें लेने के लिए, और साथ में लेके आए हैं ये क्रिस्पी वाले मोमोज, कुरकुरे मोमोज। बहुत टेस्टी यार, मेरे लिए, मेरे में तो बहुत टेस्टी है ये, मतलब मेरा फेवरेट है। गाइज हम आ गए हैं अपने घर फाइनली, मम्मी के घर से, और खाना पीना हमारा हो चुका है। फिलहाल हम देख रहे हैं मूवी। सो मूवी देखने के बाद रेस्ट करेंगे, अब थोड़ी देर सोएंगे। और अनु के स्कूल से भी अभी मैसेज आ गया है कि अनु की जो स्कूल की छुट्टियां जो है वो एक्सटेंड हो गई है, क्योंकि अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से एज सच कोई नोटिस नहीं आया है। तब तक के लिए नेक्स्ट जो नोटिस आएगा उससे पहले छुट्टी। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट व्लॉग में। आज के व्लॉग को करते हैं यहीं एंड। सो गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।